भारतीय जनता पार्टी महानगर के मोर्चे के पदाधिकारियों प्रदेश व क्षेत्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक बुद्धिविहार स्थित भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय निकाय चुनाव मुरादाबाद महानगर के प्रभारी व आगरा से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि अपने वार्ड के बूथों की सभी मतदाता सूचियों पर मंथन करें, एक एक वोट को ढूंढें, जो लोग वार्ड से छोड़कर चले गए हैं उनके वोट कटवाएं, जिनके वोट नहीं बन पाए हैं उनके नए वोट ऑफलाइन या ऑनलाइन बनवाएं। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने आगे कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 4 नवंबर तक ऑनलाइन वोट बनने हैं, 7 नवंबर तक ऑफलाइन वोट बनेंगे। इसके साथ ही 5 नवंबर व 6 नवंबर को घर घर संपर्क अभियान होगा, जिसके तहत पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को अपने अपने वार्डों के मतदाताओं के घर घर जाकर संपर्क करना है, उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बिना किसी भेदभाव के विकास हुआ है, अपराध भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, इसका असर निकाय चुनाव में दिखेगा, हमारी जीत का रिकॉर्ड टूटेगा, हर वार्ड में कमल खिलेगा। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों के बारे में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने, संचालन महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने किया। बैठक में महानगर महामंत्री दिनेश शेषवाल, स्थानीय निकाय चुनाव के महानगर संयोजक शमी भटनागर, युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री अंजलि चौहान, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी निमित जायसवाल, विजय लक्ष्मी पंडित, मनीष गुर्जर, अनुपेंद्र सिंह, दिलीप दिवाकर, अभिषेक राठौर, शिवांग गुप्ता, मनमोहन सैनी, प्रदीप सक्सेना, अतुल सोती, किशन लाल सिंह, मुंशी राम कश्यप आदि उपस्थित रहे। किस तरह की योजना है नगर निगम चुनाव को? इस समय सभी वार्डों में हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम 5-6 तारीख को होने वाला है। सभी कार्यकर्ता मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं। मतदाता सूची ठीक प्रकार से रहे, चुनाव आयोग ने यह अधिकार सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को और पब्लिक को दिया है। सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसके प्रयास में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनको बताने के लिए भी 5-6 तारीख को घर घर जाएंगे। और आज हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ के मोर्चों के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत होगी। सभी लोग कामों में लगे हुए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या काम शेष रह रहे हैं, वो सब जानकारियाँ एक दूसरे को मिल सकें, उस दृष्टि से आज बैठना है। कल मंडलों में भी बैठे थे, लगातार वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ठीक है, मुरादाबाद महानगर अच्छा महानगर है, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। अपने सभी मोर्चों के कार्यकर्ता, भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हमें नगर निगम में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीते और पार्षदों की सीटों में हम वृद्धि करें, इस प्रयास में लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता मिलकर इस काम को कर रहे हैं। अभी आपने बैठक भी ली और लगातार दौरा भी किया, उसके बाद में अभी क्या बदलाव की आवश्यकता है, कितना अभी परिवर्तन की आवश्यकता लगता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है? नहीं, हम किस तरह निरंतर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति में काम से पीछे नहीं हटती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है सेवा ही संगठन है। राजनीति एक सेवा के लिए करते हैं, और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो तो चुनाव के समय कुकुरमुत्तों की तरह निकल कर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थायी रूप से सेवा के लिए रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हम सत्ता में भी रहते हैं तो भी, और विपक्ष में हैं तो भी, कभी हम आँख छुपा कर नहीं जाते। चुनाव आते हैं तभी हम बीच में नहीं जाते। अभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई थी, किसी और राजनीतिक पार्टी को कोई मतलब नहीं। कोरोना आया था देश में, कितना बड़ा भीषण संकट था, तो भी भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर थे, भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल सामने आता नहीं। और हम लोग जिस संगठन से प्रेरणा लेते हैं, उस संगठन के से प्रेरणा लेकर सभी कार्यकर्ता एक स्वयंसेवक भाव से जनता के बीच में रहता है। जनता पूछती है कि भाई कोरोना के समय आप कहाँ थे, केवल भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर थे, सेवा के कार्य में लगे हुए थे। दूसरे दल के लोग तो देश को बीमार करने में लगे हुए थे। जब कोरोना की वैक्सीन आई
तो एक नेता ने कहा, बड़े भाई राष्ट्रीय नेता हैं, कि वैक्सीन मत लगवाइए, ये अलग बात के बाद में उनके पिताजी ने वैक्सीन लगवा ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसका भाव केवल सेवा का है। हम चाहे नगर निगम का चुनाव लड़ें या विधानसभा का चुनाव लड़ें, संवैधानिक व्यवस्था है, हम सत्ता को केवल लोगों की सेवा का माध्यम मानते हैं, बाकी दल अपने परिवार की, अपने घर की, अपने खुद की कमाई का माध्यम मानते हैं। दोनों में इतना अंतर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे चूँकि कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, मुरादाबाद के सभी कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी। मुरादाबाद की नगर निगम सीट है, और इसमें क्या चुनौतियाँ अभी किसी तरह की चुनौती है? कोई चुनौती है, एक तरफा चुनाव है, और हम यहाँ थर्ड मेजोरिटी से पार्षद जीतेंगे, और हमारा महापौर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत कर आएगा। और जब कार्यकर्ता लग जाती हैं तो सभी काम ठीक हो जाते हैं। कार्यकर्ता लगेंगे, हम समाज तोड़ने वाले जो दूसरे राजनीतिक पार्टी हैं, क्योंकि उनका काम घोरतम जातवादी दल, घोरतम सांप्रदायिकता फैलाने वाले दल, ये सपा, कांग्रेस, बसपा, बसपा का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी विभाजित समाज को विभाजित करके राजनीति करती है, हम समाज को जोड़कर देखते हैं, वो तोड़कर देखते हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों के बीच में काम कर रहे हैं, और सभी वर्ग इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी बैठक हुई थी, बहुत उत्साह है, और मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का वोट भी बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है इस बार, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता इस चुनाव को और बढ़िया बनाने का काम कर रहे हैं। अभी आरक्षण को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है भैया, देखिए जो सरकारी मशीनरी है, चुनाव आयोग है, वो इस काम को करेंगे। चुनाव बीजेपी लड़ेगी, हमारे पास तो कमल का फूल है, कमल का निशान हमारा सबसे बड़ी चीज़ है, और हमारे तो कार्यकर्ताओं की एक मान्यता है सीधी सीधी, जिसके पास कमल का निशान वही हमारा पहलवान, उसको सामने रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती है, दूसरे दल के लोग परिवार के लिए काम करती हैं, 10-10 आदमी उनके घर में विधायक सांसद बन जाती हैं। हमारे यहाँ तो देखिए कौन क्या है, हमारे अध्यक्ष भी वैसे ही हैं, हमारे विधायक भी वैसे ही हैं, हमारे सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करते हैं, और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों का सीधा मानना है, भाजपा मजबूत तो देश मजबूत, देश को मजबूत करने का काम मुरादाबाद के लोग करते हैं।